गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी अफशा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल आइडियाज फॉर लाइफ बाय अफशा। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव मेड एनी टाइप ऑफ कंटेंट एंड एनी टाइप ऑफ वीडियो ऑन माय चैनल। तो व्हाट वाज द रीजन? तो यस, द रीजन वाज दैट माय आई वाज टोटली एंड पुअरली इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हिच वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। लास्ट वीक जो है मुझे इतना पेन था मेरी आई पे क्योंकि माय आई वाज टोटली सॉइल्ड। मैं कुछ मतलब पूरी मेरी आईज जो है वो क्लोज हुई हुई थी, उसमें स्वेलिंग इतनी थी कि बस आंसू जो है वो बहते रहते थे। मैं किसी काम के मतलब कर नहीं पा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकवर्ड नाउ। अच्छा, इन इंग्लिश वी कॉल इट स्टाइल और इन उर्दू वी कॉल इट गोहाजनी। अच्छा, व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल इज द बेसिक इट्स अ एक्नी पिंपल दैट अपेयर ऑन द बेस ऑफ योर आईलैशेस, जो आईलैशेस के बेस पे आपके आ जाता है, जो कि स्वेल बहुत होता है। अच्छा, मेरे ये समर में निकलता है, लेकिन इस दफा क्या हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन पिम्पल्स निकले थे। आप सोचें कितना मेरे लिए पेनफुल था वो लम्हा जो जब मेरे ये पिंपल्स निकले हुए थे। अच्छा, वैसे तो इसकी काफी होम रेमेडीज हैं, जिसमें आप जो डोर की जो कुंडी होती है लोहे की बनी हुई होती है, तो लोहा वो आप 5-6 दफा फेरें तो उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। और ये 2-3 डेज में इसका काफी स्वेलिंग अपेयर होती है, इसमें पेन भी बड़ा होता है। दूसरी जो इसकी होम रेमेडी ये है कि आप अपने हाथ के पाम में इस छोटी उंगली को अच्छी तरह से रब करें, जो इसमें से गर्माइश पैदा होगी वो आप अपने पिंपल पे लग। अच्छा, इससे जो है आपकी इस गर्माइश से पेन काफी आपका रिड्यूस होता है। इस दफा मैं कोई होम रेमेडी नहीं की थी, मैंने कहा था मुझे सही हो जाएगा, तो लेकिन नहीं, क्योंकि ये पिम्पल एक से ज्यादा थे मेरे। तो देन आई वेंट टू द अंडर मेडिकेशन, क्योंकि उससे मुझे ये था कि काफी जब टाइम गुजरता रहा तो मुझे लगा था कि ये कोई होम रेमेडी से नहीं चाहेगा। तो दो टेबलेट्स मैंने यूज की थी और एक ट्यूब था जो कि आई ऑइंटमेंट था। तो जो पहली जो टेबलेट थी दैट इज कॉल्ड फेब्रॉन, ये एबिट कंपनी की एक टेबलेट थी विच वॉज अ पेन किलर। और दूसरी जो थी वाइब्रोमेंसिन थी, जो कि इन्फेक्शन दूर करने के लिए एंटीबायोटिक थी। तो ये दोनों मैंने टैबलेट्स जो थी वो सुबह शाम खाई थी, तो इट विल बी वेरी रिलायबल फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए पेन में जो मैंने एक ही डोज ली थी उसमें ही मुझे बहुत ज्यादा ही पेन जो है वो खत्म हो चुका था, मेरी आईज ओपन होने लगी थी, इतना मतलब काफी इसमें मुझे फायदा मिला था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो के मैंने कौन सी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी टेबलेट यूज की थी। तो लेट्स गेट टू द वीडियो। अच्छा, फर्स्ट जो मैंने ये टेबलेट ली थी डेट इज कॉल्ड फ्रॉबिन, जो कि पेन किलर थी और इस एबिट कंपनी की थी। आपको पता है एबिट कंपनी किसी तारीफ की मोहताज नहीं, बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। तो इस ये मैंने ली थी सुबह शाम, तो एक ही डोज में ही मुझे काफ़ी पेन कम होने लगा था और मेरी आईज ओपन लगी थी। तो नेक्स्ट इस वाइब्रोमाइसिन, जो कि फाइजर कंपनी की थी। आपको पता है कोविड वैक्सीनेशन के लिए वाइबर जो कंपनी है वो काफ़ी आजकल इन है, तो ये मैंने सुबह शाम इसको भी लिया था, जो कि इससे मुझे एक दो दिन में ही बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आई होप यू विल गेट अ गुड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो शेयर करेगा उन लोगों से जिनको इस तरह की आई इन्फेक्शन होता है हर समर में एक तरह, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि खुदा ना खास्ता किसी को अगर ये मसला हो रहा है इन समर्स, तो वो इस वीडियो से फायदा उठा सकें और रिकवरी उनकी जल्द से जल्द हो, तो पेनफुल भी ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल और मुझे दुआ में अपने याद रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।